चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह से कबीर के पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसके साथ हम कठिन शब्दों के अर्थ और काव्य सौंदर्य तथा भाव सौंदर्य भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर के पदों की व्याख्या। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला पद और इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं मैं उनके यहाँ से आपको सरल अर्थ बता देता हूँ। दोजक शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ है नरक। समाना यानी व्याप्त, खाक यानी मिट्टी, कोहरा यानी कुम्हार, साना यानी एक साथ मिलाकर, बाढ़ी यानी बढ़ई, अंतर यानी भीतर, स्वरूपे यानी स्वरूप, गर्वाना यानी गर्व करना और निर्भय यानी निर्भयता जिसमें कोई भय ना हो। ये उसके कठिन शब्द थे और अब हम इस पद की व्याख्या कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में परमात्मा और आत्मा एक ही तत्व हैं, वे दो नहीं हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, मैं उसे एक ही मानता हूं, पर जो लोग इस दुनिया में एक मानने की बजाय उन्हें दो अलग अलग तत्व मानते हैं वो गलत हैं, सही नहीं हैं। और उन्हीं के लिए जो नरक और स्वर्ग जैसी दो चीजें मानी जाती हैं वो उसी के मानने वाले रास्ते के व्यक्ति हैं, क्योंकि वो सत्य को नहीं पहचानते। जो मनुष्य का शरीर बना है वो पांच तत्वों से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व करी बना शरीरा, ये तुलसीदास ने कहा है। तो इसमें वो कहते हैं कि एक ही वायु से, एक ही पानी से, एक ही ज्योति से इस संसार के समस्त प्राणियों का जो शरीर है उसका निर्माण हुआ है, उसमें कोई भेद नहीं है। ये ठीक उस तरह है जैसे कोई कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी को सान कर उसमें से अलग अलग प्रकार के बर्तनों और वस्तुओं का निर्माण करता है। तो वे आकार प्रकार से तो भिन्न भिन्न नजर आती हैं, लेकिन उनका जो मूल तत्व है वो एक ही है, मिट्टी। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि इसी तरह जो बढ़ई है वो लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उसके अंदर जो अग्नि व्याप्त होती है उसको वह नहीं काट सकता। इसी तरह इस शरीर को तो नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा विराजमान है उस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ईश्वर जो परमात्मा है वही सभी शरीर रूपी घड़ों के अंदर वही विराजता है और अलग अलग रूप दिखाई देते हैं प्राणियों के। कोई चौपाए हैं, कोई उड़ने वाले पक्षी हैं, कोई मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी अलग अलग भेद हैं। तो ये मूल तत्व उनका एक ही है। इस संसार में जो माया मोह है उसके कारण लोग लोभ में पड़ जाते हैं और इसी से मनुष्य के अंदर घमंड की भावना आ जाती है। परंतु जो व्यक्ति सत्य को पहचान लेता है वह सब प्रकार के भयों से, भय डरों से मुक्त हो जाता है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो फिर उसको किसी तरह का कोई दुख व्याप्त नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो ईश्वर का भक्ति का दीवाना है वह यही बात आप सबसे कहता है। तो यह था हमारे पहले पद की व्याख्या और आइए अब इसके काव्य सौंदर्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि कबीरदास जी ने खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है, जो कि उनकी भाषा ही प्रमुख रूप से सदुक्कड़ी है। साधु संत किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते,
वे लगातार देशाटन करते हैं, घूमते हैं, इसलिए तरह तरह की बोलियां और भाषाएं उनके जीवन की बोलचाल वाली भाषा में आ जाती हैं। कबीरदास जी ने बहुत से उदाहरण दिए हैं और अपनी बात को समझाया है, इसलिए दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरी बात यह है कि कबीरदास जी ने कुम्हार और बढ़ई के माध्यम से अपनी बात कही है, लिहाजा यहां उपमा अलंकार है। और अब हम इसका भाव सौंदर्य आपको बताते हैं। कवि ने परमात्मा और आत्मा को दो न मानकर उसे एक ही बताया है। कबीरदास का विचार है कि सृष्टि के सभी जीवितों और अजीवितों का निर्माण एक ही मूल तत्व से हुआ है, वे भिन्न भिन्न नहीं है। अज्ञानी मनुष्य संसार के माया मोह में पड़ करके और अहंकार करता है। और चौथा है कि जो मनुष्य माया मोह से अपने आप को मुक्त कर लेता है, वह निर्भय हो जाता है, फिर उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। और अब हम आते हैं कबीरदास के दूसरे पद की व्याख्या की ओर, और इसमें भी हम आपको पहले कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे, फिर उसका काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। बौराना शब्द का अर्थ होता है पागल हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। धावे यानी दौड़ना, पतियाना यानी विश्वास करना, नेमी यानी नियम मानने वाला, धर्मी यानी धर्म को मानने वाला, असनाना यानी नहाना स्नान करना, और आत्म यानी स्वयं, पखाने यानी पत्थर को, पत्थर की मूर्तियों को, बहुतक यानी बहुत से, पीर औलिया यानी धर्मगुरु, कुराना यानी इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ, मुरीद यानी शिष्य, तदबीर यानी उपाय, आसन वार यानी समाधि लेकर, गुमाना यानी अहंकार, पीपर पीपल का पेड़, पाथर यानी पत्थर, छाप तिलक यानी तरह तरह से अपने शरीर में टीका चंदन इत्यादि लगाना, साखी यानी साक्षी, शब्द ही यानी वह मंत्र जो गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते समय उसके कान में कहता है, आत्म खबर यानी स्वयं के बारे में जानकारी, रहिमाना यानी रहम करने वाला, महिमा यानी गुरु का महात्म, और सिख यानी शिष्य। तो ये इसके कठिन शब्द हैं दूसरे वाले पद के, और अब हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। तो देखिए दूसरे पद में कबीरदास ने कहा है कि संतो यह संसार बौरा गया है, दीवाना हो गया है, पगला गया है, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। अगर इससे सत्य बात कहो तो यह मारने के लिए दौड़ता है, परंतु झूठ इसे इतना अच्छा लगता है कि उस पर विश्वास करता है और झूठ बोलने वालों के पीछे पीछे दौड़ता है। हमने संसार में बहुत से नियम करने वाले, धर्म करने वाले लोगों को देखा है। ये नियम करने वाले सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करते हैं और इसके बाद अपनी आत्मा को मार करके पत्थर की पूजा करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। हमने बहुत से धर्मगुरुओं को देखा है और कुरान शरीफ जैसी किताब पढ़ने वाले इस्लाम के मानने वालों को भी देखा है। वे अपने मुरीदों को, अपने चेलों को उनकी समस्याओं के हल बताते हैं, लेकिन वो तो उतना ही बताएंगे, वही बताएंगे जितना उनका ज्ञान है। तो उनका ज्ञान ही जब सीमित है तो वे अपने शिष्यों को भी उसी तरह का सीमित ज्ञान या जो अज्ञान को उन्होंने ज्ञान मान रखा है वही बताते हैं। कुछ लोग आसन लगा करके, समाधि लगा करके और उसमें ध्यान करने में लग जाते हैं और कहते हैं कि हमने जो है वो बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसी का उनको घमंड हो जाता है। फिर वो पीपल का पेड़ और पत्थर की पूजा करते हैं,
तीर्थ करते हैं और इसी के गर्व में कि हमने संसार की या तीर्थ की यात्राएं कर ली हैं, हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई है नहीं, उसका उनको घमंड हो जाता है। कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है, कोई शरीर में तिलक लगा लेता है, चंदन लगा लेता है, और वो समझता है कि यही धार्मिक कर्म है, ये धार्मिक कार्य नहीं है, ये तो धर्म का दिखावा मात्र है। वो सच्ची बातों को नहीं मानते, जो शब्द लोगों एक गुरु अपने शिष्य के कान में दीक्षा देते समय कहता है, वो उसको उसके कान में बोल देते हैं और भूल जाते हैं। हिंदू कहता है कि राम मुझे सबसे प्रिय है, मुसलमान कहते हैं कि हम तो रहीम को अपना खुदा मानते हैं। तो आपस में एक दूसरे का विरोध करके राम को मानने वाले रहीम मानने वालों का, रहीम को मानने वाले राम को मानने वालों का विरोध करते हैं, लड़ते हैं और आपस में लड़ लड़ के मरते रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि ये लोग घर घर जा करके मंत्र देते हैं, उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं, परंतु वो इसी में अपनी महिमा समझते हैं कि सारे लोग हमारे पीछे दौड़ते हैं और हमसे अपनी समस्याओं के लिए उपाय पूछते हैं। लेकिन ऐसे गुरु के साथ उनके सारे शिष्य भी सब उनका जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि गुरु के पास भी ज्ञान नहीं है, और अज्ञानी गुरु जब अब शिष्यों को ज्ञान देगा तो शिष्यों का भी नुकसान ही करेगा, भला नहीं करेगा। ऐसे लोग अपने जीवन का अंतिम समय आने पर फिर पश्चाताप करते हैं कि हमने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। कबीरदास जी कहते हैं, भाई मेरी बात सुनिए, ये सारे मर्म को, वास्तविकताओं को, तत्वों को भूल चुके हैं, इनसे मैं कितनी भी सत्य की बात करूं, परमात्मा की बात करूं, तथ्य की बात करूं, ये उसको नहीं मानते। इनको ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा सहजता से मिलता है, सरलता से मिलता है, जटिलताओं से और तरह तरह के पाखंड करने से नहीं मिलता। तो यह है व्याख्या, और अब करते हैं काव्य सौंदर्य। इसका पहला काव्य सौंदर्य के रूप में जो तत्व है, पॉइंट है, बिंदु है, वो इस तरह है कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। दूसरा, इसमें जो किताब कुराना पीपर पाथर पूजन लागे, साखी शब्दें गुरु के सहत सिख सब बूढ़े, केते कहो कहा नहीं माने, और सहज सहज समाना, इन सब में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इनमें एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग में आया है। तीसरा है लरी लरी घर घर, ये दो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। पूरा पद तुकांत है और इसमें गेयता का गुण है, इसे गाया जा सकता है। और चलिए अब जानते हैं भाव सौंदर्य। इसका भाव सौंदर्य का पहला जो बिंदु है वो है कि संसार सत्य का विरोध करता है और झूठ के प्रति लालसावान रहता है। आत्मा के स्थान पर पत्थर पूजना मूर्खता है। तीसरा, स्वयं अज्ञानी होने पर भी लोग दूसरों को ज्ञान बांटते रहते हैं। चौथा, आडंबर करने वाले आडंबर पर ही घमंड करने लगते हैं, उन्हें वही सबसे श्रेष्ठ नजर आता है। बाहरी वेशभूषा बदल लेने से आंतरिक परिवर्तन नहीं होता। अज्ञानी धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। और सातवां है कि अज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को भी अज्ञान ही सिखाता है, उनका भी नुकसान ही करता है। आठवां जो इसका विचार पक्ष है वो है कि ईश्वर को पाने के लिए जो सरलतम पथ है, सहजता जो है मनुष्य की, वही सर्वोत्तम है। तो यह थी कबीर के पदों की व्याख्या, उनका
काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य। आपसे हमारा अनुरोध है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमें उसका उत्तर देते हुए खुशी होगी। आपका धन्यवाद।